नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। दोस्तों मैं आज कुछ बड़ी अपडेट देने चाहता हूँ कतर के बारे में। बहुत बड़ी अपडेट आई है कतर के बारे में वीजा को लेकर। जैसे कि कोई भी भाई अगर विजिट वीजा पाना चाहता है तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है, बहुत ही खुशखबरी खबर है। आप वहाँ पे इंडिया में रह के भी ऑनलाइन जो है विजिट वीजा आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो उनकी सारी प्रोसेस, कहाँ से आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सा तरीका है, कि किसके किसके लिए वीजा ये सही है कि नहीं है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Özbekistanlı Kemal abi annesini sırtında umre yaptırıyor ve tavafta. Kemal abi Allah razı olsun. Türkiye'den selam sana. Selam Türkiye. Kemal abi annene de çok selam. Maşallah. Ey gidi, şunlara bakın. Subhanallah. Annesini. Sadece o yeşil ışın olduğu yerde selamlıyoruz. Başka bir yerde selamlamıyoruz. Allah Allah. Allah Allah. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कतर ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। कि अपडेट ये है कि जैसे कि विजिट वीजा हो गया, वर्क वीजा हो गया, फ्लेक्सी वीजा हो गया, आजाद वीजा हो गया, जितने भी तमाम तरह के वीजा थे सबकी वेबसाइट जो है अलग अलग थी। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हुआ है, क्या न्यू अपडेट है कि सभी वेबसाइट को एक जगह कर दी है, यानी कि उसका नाम है haya.qa। इस वेबसाइट पे आपको अगर विजिट वीजा लेना है, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विजिट वीजा लेना है तो आप इसमें आसानी तरीके से विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सारी सुविधा इसमें मिल जाएगी, जैसे कि होटल बुकिंग, आपको कहाँ रहना है, कितना चार्ज लगेगा, विजिट वीजा कितना चार्ज है, सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले थे कि आप एजेंट को देंगे पैसा तो विजिट वीजा निकाल के मिलेगा, तो किसी कोई ना कोई आपको बीच में रहता है जिससे आप पैसा देंगे वो आपको वीजा देता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको एकदम बहुत ही बढ़िया सुविधा मिल गई है कि आपको कोई भी वीजा लेना हो, वर्क वीजा, आजाद वीजा, फ्लेक्सी वीजा, विजिट वीजा, कोई भी वीजा लेना हो तो आपको एकदम सेम एक ही वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यानी कि उसका नाम तो मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन एक बात और बता देता हूँ, उसका नाम है haya.qa। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। उसके बाद दोस्तों अगर कोई भी वीजा अप्लाई करते हैं तो वीजा अप्लाई करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने की वैलिडिटी है तभी आप वीजा अप्लाई कीजिएगा। अगर 6 महीने का आपका वैलिडिटी यानी कि एक्सपायर होने वाला है, अगर 6 महीना बाकी है तो आप मतलब कि विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका 6 महीना नहीं है, 6 महीना से कम है, यानी कि 5 महीना है, 4 महीना है, तो आप कभी भी भूल के विजिट वीजा के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। क्योंकि ये नियम है कि आपके पासपोर्ट के अंदर 6 महीने की वैलिडिटी आपकी पासपोर्ट में होनी चाहिए। ये एक न्यू अपडेट आई है कतर से। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? उसके बाद जो है तीसरी अपडेट ये है कि जितने भी गल्फ कंट्री में जीसीसी कंट्रियों के नागरिक है उनको मतलब कि वीजा लेने के लिए कोई इतना लेम झाम नहीं है, वो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, कोई उतना मुश्किल काम नहीं है। जितने भी जीसीसी नागरिक हैं और जितने भी मतलब कि इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, ये लोगों के लिए जो है आपको वीजा लेना अनिवार्य है। लेकिन जीसीसी वालों के लिए कोई वीजा लेना अनिवार्य नहीं है। आपको सिर्फ आपको अगर जीसीसी में है, जीसीसी कंट्री में रहते हैं तो आपको सिर्फ जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना है, कितने लोग जा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना है, गाड़ी का नंबर रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी जानकारी आपको उसमें फार्म जो है फिल करनी पड़ेगी, तब आपको एंट्री मिल सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है इस वीडियो में। प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है कतर के बारे में आपको मैं देता रहूं।
तो प्लीज अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।